जनपद सीतापुर के थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके की ग्राम कमोलिया निवासी मंजू देवी पुत्री हरिबख्श की भैंस की विद्युत लाइन की चपेट में आने से मौत हो गई। पीड़िता मंजू देवी ने बताया कि उनके गांव से निकली विद्युत लाइन बेहद ही जर्जर हालत में है, जिसको सुधारने के लिए ग्रामीणों ने कई बार विद्युत कर्मचारियों से कहा, परंतु उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते आज इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, जिससे ग्रामीणों में विद्युत कर्मचारियों के खिलाफ काफी रोष व्याप्त है। तो वहीं मंजू देवी ने बताया कि वो बेहद गरीब है और संसाधनों नाम पर सिर्फ एक भैंस ही थी, विद्युत विभाग की लापरवाही से वो भी आज चली गई। जब हमारे संवाददाता ने इसकी जानकारी के लिए काजी कमालपुर विद्युत उपकेंद्र में संपर्क किया तो पता चला कि अभी तक वहां पर कोई भी स्थायी जेई तैनात नहीं है, दूसरे उपकेंद्र के जेई के पास चार्ज है। ऐसे में अब सवाल उठता है कि जब वहां पर कोई स्थायी जेई ही नहीं है तो ऐसी घटनाओं की जिम्मेदारी लेने के लिए कौन आगे आएगा? क्या मामला है? भैंस तो मतलब भैंस बंधी रहे रोड किनारे, चाहे बरसात के रे वजह ने रोड किनारे बांधी गई, नंगा तार है, ट्रांसफार्म फुगवा रहा है, खया रहे, तब बताएंगे हम कहीं कमजोरी का हमारे पावर हो और इतने हमारे संपत्ति जो कुछ है तो मतलब कहें कि कुछ मतलब केबिल डाल दे और नंगा ना रखा हो, हमारी पड़िया रहा तीन महीने गाड़ी ना है, ऊपर तार वाद वहाँ कट के गिर वहाँ मर गई है। आपकी भैंस पर तार गिरा हुआ है? हाँ, तार गिरा तुरंत तत्काल मर गए। जानकारी दी है आपने इसकी? जानकारी अभी भी है ना, कोई के दीबा हो चौकी पर दीबा जाए कुछ कहाँ दीजिए। नहीं, आपने विद्युत विभाग में या पावर हाउस में कहीं पे बताया है? अभी बताया ना, अभी पठाइबा हो कोई के पावर हाउस के। तार जर्जर पड़े हुए थे, इसकी जानकारी दी थी पहले? आए रहे पावर ट्रांसफार रखे रखे आए रहे, जब फूका रहा है तब बताए रहे हमकन भैया मैं केबिल डाल दे मतलब है लाइन मैन से कहा था अब वो सुने ना है तो वत्ते है ना दुनिया पैसा के चक्कर में है कोई कोई सुन नहीं रहा। तो कितने टाइम की घटना है? घटना एक घंटा लमसम हो गया, हम गल्ला बटर है गल्ला ले चले गए घर रहा नहीं पता हुआ मालूम हुआ तो घूमे तुरंत तब मरी पाए। क्या नाम है आपका? मंजू देवी। गांव? गांव का मिलिया। थाना? अमिलिया सुल्तानपुर। सीतापुर से आशुतोष अग्निहोत्री की रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया न्यूज। देखते रहिए टीवी वन इंडिया न्यूज। नमस्कार, और टीवी वन इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।